हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे फूल जो मेरे रेलिंग के सामने लगे हुए हैं। वैसे तेज़ धूप की वजह से हमारे कुछ प्लांट ख़राब हो गए, लेकिन बारिश के पानी मिलते ही जो है इनमें रंगत आ गई, काफ़ी हरे भरे हो गए हैं और अच्छी खासी ग्रोथ भी हो रही है। तो दोस्तों, आज हल्की हल्की धूप है और देखिए पर्सनल पार्सुलाका में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और ये देखिए यहाँ पे मधुकामनी की कलियाँ बहुत ही अच्छी लग रही हैं और अपराजिता की ग्रोथ तो बहुत ही बढ़िया हो रही है। इनकी बेल बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है, देखिए ये भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है रैन लिली प्लांट के ऊपर है, मुझे उनमें खाद देनी है, तो मैं कौन सी खाद दूंगी ताकि जो है बरसात भर उनमें खूब ढेर सारे फूल आएँ, ये सब बातें मैं बताना चाहती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने रैन लिली के प्लांट को। ये देखिए, ये मैं टब में लगा रखी हूँ। जब मैं अलग अलग करके लगा रही थी इनके बल्ब, तो मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर भी की हूँ। तो ये बिल्कुल बेकार से हो गए थे, लेकिन दो चार बार देखिए बारिश का पानी नहीं मिला और बिल्कुल हरे भरे हो गए। तो मैंने सोचा कि चलिए इनमें खाद दे दूँ ताकि जो है इनमें फूलों की कमी ना रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है ना कि इनमें जो भी घास वगैरह लगी है उन्हें निकाल देना है। अगर हम नहीं निकालते हैं तो घास भी इनके साथ बढ़ने लगेगी और घास बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करेगी, जिनकी वजह से हमारे रैन लिली प्लांट की ग्रोथ में कमी आ सकती है। इसलिए घास को, खरपतवार को निकाल देना ज़रूरी होता है। और ये देखिए कुछ बल्ब बच गए थे तो मैं मटकी में लगा दी, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इनमें खाद दूँगी, फिर मिट्टी की गुड़ाई करूँगी, या फिर मिट्टी की गुड़ाई करके ही खाद दे सकते हैं। तो घास वगैरह निकाल देंगे और इसमें जो भी कंकड़ पत्थर इस तरह से गिरे हैं इनको निकाल देंगे। और ये देखिए मिट्टी अभी गीली है, फिर भी मैं इनमें खाद दूंगी। खाद देने के बाद हल्की सी गुड़ाई करके ऐसे ही धूप में पड़े रहेंगे। आज बहुत ही बढ़िया धूप निकली है। तो दोस्तों, रैन लिली के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने लगाया है ना तो ये काम ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए मैं वर्मी कंपोस्ट ले ली हूँ और मुझे ज़्यादा कुछ देना नहीं है। लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं नहीं दूंगी, बस सूखी खाद ही दूंगी। और मैं थोड़ा सा मिला लेती हूँ नीम खली, देखिए एक मुट्ठी मैं नीम खली मिला रही हूँ। और गमले के हिसाब से मैं खाद भी तैयार कर ली हूँ, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट ना हो तो आप गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद का बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी पुरानी खाद होनी चाहिए दोस्तों। ये देखिए, तो टब के हिसाब से जो हमें चार पांच मुट्ठी इस तरह से किनारे किनारे डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद जब इनमें अच्छी खासी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी ना, फिर से मैं थोड़ा थोड़ा खाद जो है इनमें दे दूँगी। ये देखिए बरसात भर इनमें खूब ढेर सारे फूल आते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। और फिर इतना फूल आएंगे ना दोस्तों कि गिनते गिनते थक जाएंगे। देखिए अब मैं जो है बहुत ही आराम से इनकी गुड़ाई कर दे रही हूँ। तो ये कई कलर में आते हैं दोस्तों, मेरे पास तो बस पिंक कलर के हैं। और अब की बार मैं नर्सरी गई थी तो मैंने पता किया लेकिन आया नहीं था। देखिए इस तरह से ये परमानेंट होते हैं दोस्तों, बल्ब से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। एक छोटा सा बल्ब लगाइए और फिर उसके बाद देखिए एक बल्ब से कई बल्ब तैयार कर देते हैं और बराबर रहते हैं। ये देखिए इस तरह से हल्की हल्की गुड़ाई कर देते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खाद है वर्मी कंपोस्ट। अगर आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके असर से जो है हमारी रैन लिली अच्छी खासी तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से इसमें भी डाल देते हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, फ़ोन मैंने हाथ में ले लिया है, अब चलिए ट्राइपॉड में लगा दिए हैं और इस तरह से गुड़ाई कर देते हैं। तो कई दिन से मैं सोच रही थी कि खाद दूँ लेकिन समय नहीं मिला, लेकिन ये काम ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे कैसे पड़े रहें। बड़े हो जाएंगे लेकिन फूल थोड़े कम आएंगे, तो हर चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी होता है। ये देखिए इसमें भी मैं डाल देती हूँ, अभी कुछ बल्ब जो अच्छी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, इस तरह से इनकी भी गुड़ाई कर देते हैं। तो रासायनिक खाद के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं रासायनिक खाद नहीं देती हूँ, बस जो भी खाद वगैरह देती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। इस तरह से किनारे किनारे जो है खाद दे देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास नीम खली नहीं है ना तो आप दालचीनी का पाउडर भी मिला सकते हैं, हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं ताकि इनमें फंगस ना लगे। और गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट डालने से फंगस का ज़्यादा डर नहीं रहता। अगर मान लीजिए लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देते हैं सरसों की खली का, उसे फंगस लगने का डर लगता है। फिर उसके बाद जो है
केले के छिलके का जो भी हो लिक्विड फर्टिलाइजर इस समय न दें तो बढ़िया है, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक नहीं टिका रहता है। इस तरह से देखिए, और खाद जो है ना बरसात के दिनों में जब मिट्टी हल्की सी ड्राई हो जाए, जैसे धूप हो ना तभी देना चाहिए मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद। ये देखिए हमने जो है अच्छी तरह से मिला लिया। अब ऊपर से पानी का छिड़काव कर देते हैं ताकि खाद मिट्टी में अच्छी तरह से घुल जाए और ये धूप में ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो दोस्तों रैनीले की गुड़ाई करने के बाद हमने खाद वो तो सब कुछ दे दिया है और बिल्कुल आराम से देखिए तैयार हो जाएंगे। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।